दुनिया में शायद ऐसे कुछ ही होंगे जिन्हें फुटबॉल ना पसंद हो। कोई ब्राजील को सपोर्ट करता है तो कोई अर्जेंटीना को, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी चाहे किसी भी देश या टीम से क्यों ना हो, उसकी प्रशंसा सभी करते हैं, सभी सराहते हैं। ठीक उन्हीं महान खिलाड़ियों में से आज की ये कहानी है, फुटबॉलर पेले की जीवनी की, जो निश्चित ही आपके मन में फुटबॉल को लेकर इज्जत और प्यार कई गुना बढ़ा देगा। पूरी कहानी सुने, पसंद आई तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट भी करें। दोस्तों, मैं इस तरह की अलग अलग खूबसूरत कहानियाँ आपको सुनाती रहती हूँ, लेकिन कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो कहानी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अब की बार सब्सक्राइब भी पक्के से करते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी में। 2016 की मूवी पेले, बर्थ ऑफ अ लेजेंड, डायरेक्टर जेफ एंड माइकल जिम्बालिस्ट, आईएमडीबी रेटिंग 7.1। तो कहानी की शुरुआत में हम ब्राजील के एक छोटी सी बस्ती में कुछ बच्चों को जूता पॉलिश करते हुए देखते हैं। काम खत्म करने के बाद सभी बच्चों में एक उत्साह है। पुराने कपड़ों को एक दूसरे में बांध कर उन्होंने उसे एक बॉल का आकार दिया और फिर शुरू हुआ फुटबॉल का खेल। शर्त यह है कि वो बॉल जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। खेल की सही जगह न होने की वजह से बच्चे सड़कों पे गली गली में खेल का आनंद ले रहे हैं। कभी बॉल किसी के छत पे जाती, कभी किसी दीवार से टकराती और कभी किसी के घर में चली जाती। शाम को थककर जब डीको और जिमी घर पहुंचे, उनकी माँ ने पूछा, ये शरीर में कीचड़ क्यों लगा हुआ है? बड़े भाई डीको बोला, कुछ नहीं माँ, वो जिमी पैर फिसल कर कीचड़ में गिर गया था, उसी को निकालने में कपड़े गंदे हो गए, लेकिन छोटे जिमी के मुँह से निकल गया। नहीं माँ, फुटबॉल खेलते हुए गिर गया था। ये सुनते ही माँ गुस्सा हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे उनके पिता की तरह फुटबॉल खेले, क्योंकि किसी समय में वो भी एक अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद घुटने में चोट लगने की वजह से आज वो एक सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। इसीलिए वो अपने बच्चों का भी भविष्य ऐसा नहीं चाहती। ये साल है 1950, ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुका है और आज उसका मुकाबला उरुग्वे की टीम के साथ है। सभी लोग काम धंधा छोड़ रेडियो में फुटबॉल की कॉमेंट्री सुन रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ब्राजील उस दिन बुरी तरह से हार गया। वहाँ के लोगों के लिए फुटबॉल एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है। लाजमी था लोगों की आंखों में आंसू आना। ऊपर टाले की टूटी छत से देख रहा डीको की आंखों में भी आंसू थे। घर पे अपने बाबा की आंखों में भी आंसू देख उस 8 साल के बच्चे ने कहा, बाबा आप रो मत, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं विश्व कप लेकर आऊंगा। थोड़ी देर तक बाबा चुप रहे और फिर बोले, माँ की बात सुनो, फुटबॉल को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन से डीको अपनी माँ का हाथ बटाने उनके साथ काम पर जाने लगा। उसकी माँ एक अमीर घर में नौकरानी का काम करती है। माँ रसोई घर का फर्श खिसते हुए बोली, मैंने तुम्हारे बाबा को सबसे पहले फुटबॉल खेल के दौरान ही देखा था। उन्होंने उस दिन कमाल कर दिया था, एक के बाद एक 5 गोल किए थे। हम मिले और फिर शादी कर ली, लेकिन जैसे ही उनके पैर पर चोट लगी, लोगों ने उसे सर से उतार फेंका। ना पैसे थे, ना कोई इंश्योरेंस। वो एक अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन समय और किस्मत की मार से आज उनकी ये हालत हो गई है। इसीलिए कह रही हूँ, इस फुटबॉल का भूत सर से उतार दो। मगर नन्हे डीको की नजर तो रसोई की मेज पर रखे खाने की तरफ है। जैसे उसकी माँ बाहर गई, वो एक केक का टुकड़ा उठाकर खाने लगा। तभी वहाँ घर के मालिक का बेटा अपने दोस्तों के साथ आया, जो किसी फुटबॉल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं कि अगर उनकी टीम जीत गई तो सैंड्रो फुटबॉल क्लब में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वो सभी इस होने वाले टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साहित है और अपने अपने पसंदीदा फुटबॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। फुटबॉल की बात और डीको के कान खड़े ना हो, ऐसा हो सकता है? वो भी जोश जोश में बोल पड़ा, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी पेले है। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे बच्चे हंस पड़े, क्योंकि इस नाम का तो कोई फुटबॉलर है ही नहीं। डीको ने दोबारा कहा, वो वास्को डिगामा का गोलकीपर है। दरअसल उस खिलाड़ी का नाम डीको ठीक से नहीं ले पाया। लड़कों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, भला बुरा भी कहा। अब वहाँ से जाते जाते डीको उस टूर्नामेंट का इश्तिहार अपने साथ ले आया। उसने अपने दोस्तों से इस होने वाले खेल का जिक्र किया। अब उन्होंने एक टीम बनाई और फिर खेल में हिस्सा लेने की तैयारी करने लगे। पर ना उनके पास जूते हैं और ना ही एक जैसे टीम के कपड़े, तो उनकी टीम के एक लड़के ने पुरानी चद्दर को फाड़कर उससे सबके लिए एक जैसे कपड़े बनाए। खेल का दिन आया, आहिस्ते आहिस्ते उनकी टीम एक एक मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल में उनका मुकाबला उन्हीं लड़कों के साथ है जिसके घर डीको की माँ काम करती है। वो डीको की टीम को शूलेस यानी बिना जूतों वाली टीम कहकर चढ़ाने लगे। बेचारे बच्चे
जूते को लेकर सोच में पड़ गए। जूतों का जुगाड़ करने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो रेल के डब्बों में से मूंगफली की बोरियां किसी तरह चुरा कर उन्हें बेचकर पैसे जुटाने लगे। हर मूंगफली खरीदने वाले को जूता पॉलिश मुफ्त मिलेगा। उनका काम लगभग बन ही गया था कि वहाँ फिर से वही लड़के उन्हें परेशान करने आ पहुँचे। वो डीको को पहले के नाम से चढ़ाने लगे। उनकी हरकतें उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही। बार बार मना करने के बावजूद जब वो लड़के नहीं माने तो डीको ने उसे एक घूसा जड़ दिया और फिर दोनों गुटों में हाथापाई शुरू हो गई। घर पहुंचकर डीको के चेहरे पे खून निकलता देख उसकी माँ परेशान हो गई। डीको ने झूठ कह दिया कि स्कूल की मैडम ने मारा है। माँ गुस्से में कल ही स्कूल जाने की बात करती है, मगर डीको के बाबा हालत को समझते हुए बोले कि वो खुद कल स्कूल चले जाएंगे। बाद में डीको ने बाबा को सब सच बता दिया, जिसपे उन्होंने कहा, मालूम है डीको, इंसान कब दूसरों से लड़ता है जब उसे अपनी कमजोरी पता हो। और इस खेल को अगर तुम सच में अपना पूरा ईमान देना चाहते हो तो एक बात याद रखना, जब तक तुम खुद को कबूल नहीं करोगे ये खेल तुम्हें नहीं कबूलेगा। जो भी हो, जैसा भी हो, खुद को स्वीकार करो। आज डीको बहुत खुश है क्योंकि अब उसे बाबा से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं और वो उनके साथ है। अब मैदान पहुंचकर उनका दोस्त बेचे हुए बादाम के पैसों से कुछ पुराने जूते कबाड़ी से खरीद कर ले आया, लेकिन उनमें से एक भी जूते उनके पाँव के नाप के नहीं है। लेकिन उन बच्चों के जहन में यही है कि जूते तो पहनने जरूरी है। अब दोनों टीम के नाम अनाउंस करते वक्त उन अमीर बच्चों ने जानबूझकर डीको का नाम पहले लिखवा दिया, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खेल शुरू हुआ। पाँव से बड़े जूते होने के कारण वो ठीक से खेल नहीं पाए। अब तक का खेल का स्कोर रहा 6-0। खेल के बीच में जब फिर से उन बच्चों ने डीको को पहले कहकर चढ़ाया, पहले से हार रहे डीको ने आपा खो दिया। वो उसे लड़ना चाहता है। तभी उसकी नजर दूर लोगों की भीड़ में खड़े बाबा पर गई और उनकी कही बात उसे याद आ गई। कमजोरों की पहचान ही यही होती है कि वो हर किसी से लड़ पड़ते हैं। अपने आप को स्वीकार करो, तुम कौन हो, कहां से आए हो। डीको बीच खेल में ठहर गया। फिर सबसे पहले उसने अपने पाँव के जूते फेंके। वहां आए लोग ये देखकर हंस पड़े, उसका मजाक उड़ाने लगे। डीको ने आंखें बंद की और वो सारे लोग, वो खेल का मैदान, सब गायब हो गया। वो फिर से उन गलियों में पहुंच गया जहां का वो खिलाड़ी है। अब उसका असली खेल शुरू हुआ। डीको एक के बाद एक गोल करता रहा। फुटबॉल तो जैसे उसके पाँव से चिपक गई हो। एक सेकंड के लिए भी कोई डीको से बॉल नहीं ले पा रहा और उसने आखिरी 5 मिनट में 5 गोल कर दिए। तभी खेल खत्म होने की घोषणा हो गई। वो हार गए। एक गोल से हारने के बावजूद वहां खड़े हर किसी की जुबा पर पहले का ही नाम था। उसने ऐसा खेला कि सबका दिल जीत लिया। एक अच्छे खिलाड़ी की प्रशंसा हर कोई करता है। अब लोगों का उसे पहले कहकर बुलाना बुरा नहीं लग रहा क्योंकि उसने अपना नजरिया बदल लिया है। वहां मौजूद सेंट्रो क्लब के प्रेसिडेंट ने डीको के बाबा को उनसे आकर मिलने के लिए कहा। इसी बीच वो लोग उन्हें ढूंढते हुए नजर आए जिनसे डीको के दोस्तों ने मूंगफली के बोरे चुराए थे। वो डर कर भागने लगे। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो एक नदी पार करने को उतरे, लेकिन उनमें से एक की गिरकर पांव में मोच आ गई। वो उस पार नहीं जा पाया, इसलिए डीको उसे लेकर तालाब किनारे एक गुफा में छुप गया। काफी देर हो गई, साथ ही बारिश भी तेज हो रही है, मगर वो बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे। घंटों की बारिश से उस गुफा की छत नरम पड़कर ढह गई। डीको तो किसी तरह निकल आया, पर उसका दोस्त वहीं फंसकर दम तोड़ देता है। बाद में उसकी लाश दबे मलबे से खींचकर निकाली गई। गुफा में रहते हुए उसके दोस्त ने डीको से कहा था, तुम यहाँ से जरूर निकलकर बहुत आगे तक जाना। घर लौटकर डीको अपनी माँ के सामने बहुत रोया। उसे लग रहा है कि अगर वो खेल में हिस्सा नहीं लेता तो आज उसका दोस्त जिंदा होता। ये बोझ उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। डीको उस रात उन्हीं मैले कपड़ों में सो गया। रात उसके बाबा ने माँ को उस फुटबॉल क्लब का कार्ड दिखाया जहाँ डीको का बुलावा आया है, पर माँ ने सहमे दिल से वो कार्ड दराज में बंद कर दी। अगले दिन से डीको स्कूल के बाद बाबा का हाथ बटाने उस अस्पताल जाने लगा जहाँ उसके बाबा सफाई का काम करते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से डीको के चेहरे पे मुस्कान कभी नहीं दिखी। उसके बाबा खाली वक्त में अस्पताल के पीछे आम के पेड़ के नीचे उसे फुटबॉल के पैतरे सिखाने लगे। फुटबॉल नहीं है तो क्या हुआ, वो आम को बॉल बनाकर प्रैक्टिस करने लगे। मौसम बदलने लगा, कभी कच्चे आम से गोल करना और फिर पके हुए आमों से संतुलन बनाना। साल बीत गए, अब डीको 13 बरस का हो चुका है। एक दिन माँ ने उन दोनों को देखा। उसने डीको के चेहरे पे वो गुम हो चुकी मुस्कान और चमक देखी
और रात भर सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में डिको की लगन देख मजबूर होकर वो उसी सेंट्रो फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट और पहले फुटबॉलर रह चुके वाल्डेमार दे ब्रिटो के दिए कार्ड के नंबर पे फोन करके उन्हें बुलाया और उसे डिको का खेल दिखाया। उसे डिको का खेलने का तरीका बहुत पसंद आया। आखिरकार माँ बाप ने उसका मन रख ही लिया। महज 15 साल की उम्र में डिको अपने सपने पूरे करने घर से निकला, लेकिन महान बनने का सफर आसान नहीं होता। डिको बचपन से जिस तरह से फुटबॉल खेलता आया है, यहाँ का कोच कहता है कि उसे भूल जाओ, वो तरीका पुराना हो चुका है, उसे आज का फुटबॉल सीखना होगा। उनकी ऐसी बातों ने डिको के पैर मानो बांध दिए। वो जितनी भी कोशिश करता अच्छा नहीं खेल पाता। घर से जितनी आशा लेकर चला था, सब जैसे निराशा में बदल रहे हो। उसे मिस्टर डी ब्रिटो हर रात देर तक प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। एक रात डिको सोचते सोचते बिना किसी को बोले वहां से चला आया। अभी भी अपने दफ्तर में काम कर रहे मिस्टर डी ब्रिटो ने उसे जाते हुए देख लिया। वो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गए और वहां बैठे डिको के पास आया। क्या हुआ डिको, यहाँ बैठे हो? वो बोला, मुझे यहाँ के खेलने का तरीका समझ नहीं आ रहा, और अगर मैं अभी वापस नहीं गया तो स्कूल के परीक्षा में भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और जिंदगी भर बाबा की तरह टॉयलेट साफ करना होगा। फिर मिस्टर डी ब्रिटो ने उसे कहा, तुम जिस ढंग से खेलते हो उसका एक इतिहास है, बड़ा लाजवाब है, सुनना चाहोगे? तो ये खास ढंग 16वीं शताब्दी से वास्ता रखता है, जब अंग्रेज अफ्रीकी गुलामों को ब्राजील लेकर आए थे, मगर वो घने जंगल में जा छुपे और खुद की रक्षा के लिए ये लड़ने का तरीका उन्होंने इजाद किया, जिसे हम जिंगा कहते हैं। इसके बाद जब वक्त गुजरा और गुलामों को आजादी मिल गई, वो छुपे हुए जंगलों से बाहर आए और देखा कि जिंगा को गैरकानूनी करार दे दिया गया है। उसे बचाने के लिए इन्हें फुटबॉल जैसे खेलों में छुपा दिया गया। एक समय में ये बहुत लोकप्रिय भी हुआ, मगर 1950 की ब्राजील की हार का मुख्य कारण इसी जिंगा तरीका को बताया गया, इसीलिए अब फुटबॉल क्लब ने इसे अपनाना बंद कर दिया है। तुम जिंगा को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, वो तुम्हारे रगों में बसा हुआ है, तो तुम्हें लोगों को दिखाना होगा कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, फैसला तुम्हारा है। डिको को बाबा की कही बात याद आ गई और जिंदगी की ट्रेन पकड़ने के लिए उसने घर जाने वाली ट्रेन छोड़ दी। अगले दिन के खेल में डिको ने अपने ढंग से खेला, लोगों को और कोच को उसे अपनाना ही पड़ा। वो जूनियर से सीनियर टीम और फिर क्लब के सबसे बेहतरीन टीम में शामिल हो गया और उनमें भी वो सबसे ज्यादा गोल करने वाला बन गया। कई महीनों बाद वो आज घर आया है। माँ बाबा भाई बहन तो मानो उसके आगे पीछे नाच रहे हो, डिको डिको कहते उनकी जुबान नहीं थक रही। आज रेडियो पे नेशनल टीम के चुने खिलाड़ियों के नाम की घोषणा होने वाली है। डिको को तो कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो अभी सिर्फ 16 साल का है, और आखिर में उसका नाम लिया गया, डिको, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी। डिको अपने पुराने साथियों से भी मिलने गया। उसे अपने दोस्त के बीच जाने का गम आज तक है, लेकिन उसके बाकी दोस्त आज भी उसके लिए बहुत खुश है। जाते वक्त बाबा ने उसे बचपन की चद्दर से बनी शर्ट पे उसका वो नाम लौटा दिया, पेले। मगर बाबा, इस नाम से तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। हाँ, लेकिन इसी नाम से तुमने सबसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखा था, जब लोगों ने पहली बार पेले के नारे लगाए थे। मैं भी जिंगा तरीका से खेला करता था, मगर एक चीज की जो कमी मुझ में रह गई वो था खुद पर विश्वास, खुद के तरीके पर विश्वास। मैं डर गया था और बीच खेल में हादसे का शिकार हो गया। तुम एक पल के लिए भी खुद पे शक मत करना। अब बाबा को अलविदा कह डिको ब्राजील के राजधानी रियो दे जनारियो के लिए निकल पड़ा, मगर वहां भी एक रुकावट उसका इंतजार कर रही है। जब जश्न के दौरान उसे मालूम पड़ा कि देश के बाकी कोने से आए खिलाड़ी आधुनिक तरीके से खेलते हैं, यहां तक कि कोच भी अब उनके गुण गाने लगे हैं, क्योंकि देश के खेल मंत्री का भी यही मानना है कि या तो हम पिछड़े खेल तरीकों से और पिछड़ जाए, या नए जमाने और विकसित देशों के तरीकों से उनसे कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करें। हमें अपने ब्राजील के धूल मिट्टी वाले इतिहास को भुलाकर आगे बढ़ना होगा, तभी ब्राजील का भविष्य उज्जवल है। यानी ये दिखता तो एक सामान्य खेल की तरह है, लेकिन सोचो तो इसमें बहुत गहराई है, तर्क है, जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये हुई कि उस जश्न में डिको को जिसने बचपन में पहले नाम दिया था, वो भी इस नेशनल टीम का दावेदार है। उसका नाम अल्ताफिनी है। वो इटली के तरीकों से खेलता है क्योंकि उसमें यूरोपियन देश का खून मिला हुआ है। रंग साफ है, दिखता खूबसूरत है, तो उस जैसे लोग अगर टीम में रहेंगे तभी तो यूरोप में होने वाले विश्व कप में
भाग लेने वाले ब्राजील अलग थलग नहीं लगेंगे। ऊपर से कोच भी अंग्रेज है, उस पे भी जीतने का दबाव बहुत ज्यादा है। लाजमी है डीगो को जिंगो तरीकों से खेलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि टीम में उसकी जगह भी अब दाव पर है। लेकिन दूसरी तरफ डीगो के बाबा ने जो उसे कहा है कि कभी मत भूलना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, उसका क्या? बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ महसूस कर रहा है डीगो। टीम के आखिरी चुनाव के लिए वो दो मन से खेल के मैदान में उतरा। क्या करे, कैसे खेले, ये सोचते हुए उसका भरोसा खुद पर से उठ गया। वो डर गया और ठीक उसके बाबा की तरह वो भी घुटने के बल गिर पड़ा। जख्म गहरा है, डॉक्टर अभी नहीं बता पा रहे कि डीगो इस विश्व कप में खेल पाएगा या नहीं। डीगो ने कांपते हाथों से और कांपते आवाज में माँ को फोन लगाया। माँ, तुम ठीक कहती थी, अच्छा होता कि मैं पढ़ाई कर लेता, मैं अब यहाँ खेल नहीं पाऊंगा। अपनी सारी निराशा डर को दूर करके माँ ने उसे हिम्मत देते हुए बोला, नहीं डीगो, तुम्हारा फुटबॉल का चुनना हम सबका फैसला था, और चाहे कुछ भी हो मैं और बाबा तुम्हारे साथ है। अब डॉक्टर की सलाह पे डीगो को टीम में शामिल तो कर लिया गया, क्योंकि अब उसकी तरह किसी नई को उतारने के लिए काफी देर हो चुकी है। तो तय हुआ डीगो यूरोप जाएगा, मगर एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह। पिछले साल की विजेता स्वीडन में होने वाले इस खेल में कुल 16 देश भाग लेने वाले हैं। आज तक ये विश्व कप यूरोप से बाहर कोई देश नहीं ले जा पाया। ब्राजील को कतई बराबरी की जगह नहीं मिलने वाली जब तक वो खुद अपनी जगह नहीं बनाता। डीगो मैदान के बाहर टीवी पे खेल देखते हुए दिन काट रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है जल्द से ठीक होने की। इधर मैदान पे ब्राजील हार रहा है। एक समय ऐसा आया जब एक के बाद एक मैच खेलते हुए ब्राजील के कई खिलाड़ी जख्मी हो गए। अल्ता फीनी भी अब खेल से बाहर है, तो अब कोच को डीगो की याद आ गई और उसकी हालत बिना पूछे घसीटते हुए उसे मैदान में उतार दिया गया। जबकि डॉक्टर ने बताया है कि उसे अपने घुटनों पे चोट नहीं आने देना है, नहीं तो वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। आज सेमीफाइनल है, ब्राजील वर्सेस फ्रांस। डीगो ने इतना बड़ा स्टेडियम पहले कभी नहीं देखा था, उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। यहाँ इतने दिनों से टीवी पे अपने बेटे को ढूंढ रहे डीगो के बाबा ने उसे पहली बार आज देखा, मगर पूरी तरह से विमुड़ डीगो फ्रांस के खिलाड़ियों के सामने टिक ही नहीं पाया। वो डर रहा है, उसे नहीं मालूम कि वो कैसे खेले, वो हार रहे हैं। हाफ टाइम में डीगो ने अल्ता फीनी से कहा, अगर तुम्हारे पांव ठीक है तो तुम अपनी जगह खेल लो, मैं निकल जाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकूंगा। अल्ता फीनी बोला, मेरे पांव तो ठीक है, मगर यहाँ आकर दिमाग खराब हो गया है। आज तक मैं खुद को यूरोप का समझता रहा, तुम लोगों से बेहतर खुद को दिखाता रहा, मगर यहाँ आकर पता चला कि मैं इनके लिए एक ब्राजीलियन हूँ, नहीं बन पाया मैं उनमें से एक। मुझे याद है बचपन में एक बार तुमने अपने जिंगो खेल से सबको बांध दिया था, आज वही जादू फिर से दिखा दो, हमें उसकी जरूरत है। बाहर लोगों के बीच तय है कि ब्राजील तो आज फ्रांस से हारेगा और फाइनल में स्वीडन से फ्रांस का मुकाबला होना निश्चित है। इसका मतलब इस बार भी विश्व कप यूरोप में ही रहेगा। लेकिन दिमाग से हर किस्म का डर हीन भावना मिटाकर डीगो आखिरकार वापस आया। उसके खेलने का तरीका देख पूरा यूरोप आश्चर्यचकित है। एक बार फिर फुटबॉल मानो डीगो के पांव से चिपक गई। पूरे खेल में फुटबॉल सिर्फ उसके पास ही दिखाई दे रही है। स्टेडियम में बैठे अंग्रेज स्तब्ध हैं कि वो ये क्या देख रहे हैं। बाहर बैठा अल्ता फीनी भी खुश है। सच्चे खेल में वो ताकत है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए। डीगो के गांव में लोग टीवी के सामने आंखें गड़ाकर बैठे हैं, मगर डीगो की माँ घर पे अपना ध्यान इधर उधर के कामों में भटका रही है, क्योंकि वो जानती है डीगो खेल रहा है। बाबा ने आकर जब बताया डीगो बिल्कुल ठीक है, माँ की तो जैसे जान में जान आई। डीगो के 3 गोल के साथ ब्राजील ने फ्रांस को सेमीफिनाले में मात दे दी। अब सीधा फाइनल मुकाबला पिछले साल की विजेता और खतरनाक टीम स्वीडन के साथ है। मगर कोच को यहाँ तक पहुँचने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि टीम फाइनल किस तरह खेलेगी, आधुनिक तरीके से या जिंगा खेलकर। स्वीडन का खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगले सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडन ने ब्राजील की बहुत बेइज्जती की। उनके हिसाब से ब्राजील जीतने लायक ही नहीं। ब्राजील का कोच वहां से चुपचाप उठकर चला आया। इधर डीगो ने बाबा को फोन किया। इतनी बड़ी टीम स्वीडन से कैसे खेलना है ये तो हमें कोच भी नहीं बता पा रहे हैं। बाबा बोले, तुम उसी जज्बे के साथ खेलना जैसे फ्रांस के साथ खेले थे, और अपनी पूरी टीम को भी यही भरोसा दिलाना। सिर्फ 16 साल का डीगो हताश हो रहे टीम से क्या बोलेगा। सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो उन्हें खेल के जरिए समझाए
कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक वैसा खेल जैसे उनमें से हर कोई ब्राजील की गलियों में गली नुक्कड़ में खेलकर बड़ा हुआ है। फिर क्या था, सारी शर्म हया छोड़ वो खेलते गए मन मौजी की तरह, जैसे उन्हें कोई देख नहीं रहा, जैसे वो एक ही चीज अच्छे से करना जानते हैं और वो है फुटबॉल। कोच भी उन्हें देर तक देखता रहा और फिर उसने आकर कहा, कल के खेल में हम किसी और की तरह नहीं खेलेंगे, हम ब्राजील की तरह खेलेंगे। और ब्राजील जिंगो जानता है जो हमारे पूर्वजों, इतिहास और खून में शामिल है। कल मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कैसे खेलना है, ये कल तुम सब मुझे दिखाओगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि हम कल जीते या ना जीते, लेकिन एक यादगार खेल जरूर प्रस्तुत करेंगे। जाहिर सी बात है, डीको पे बहुत दबाव बनाया गया और पहले 4 मिनट में सुरेन ने एक गोल कर दिया, मगर जल्द ही डीको ने इसका तोड़ निकाल लिया। सभी खिलाड़ी डीको को निशाना बना रहे हैं और डीको ने फुटबॉल दूसरे खिलाड़ी को पास देना शुरू किया। इस तरह पूरी टीम ने मिलकर एक के बाद एक गोल दागे, जिनमें से 2 गोल डीको के दखल में थे। आज 29 जून 1958 में भी ब्राजील की आंखों में पानी है, मगर ये 1950 की तरह दुख के नहीं, खुशी के आंसू है। और डीको पहले नाम से पूरे विश्व में विख्यात हो गया। इसके बाद डीको ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 1962-1970 के विश्व कप जीतकर 3 बार ब्राजील ने जीत अपने नाम की। पेले ने अपने नाम कई रिकॉर्ड बनाए, बस एक को छोड़कर जो कि उसके बाबा के नाम पे था, 1 मैच में 5 गोल करने का। पेले दुनिया का सबसे कम उम्र में विश्व कप जीतने वाला अब तक का पहला और इकलौता खिलाड़ी है। उसने कुल 1283 गोल किए हैं। ब्राजील ने उसे देश की धरोहर और ओलंपिक कमेटी ने उसे इस सदी का महान खिलाड़ी घोषित किया। तो ये कहानी थी महान फुटबॉलर एडसो अरांचिस दो नासिमेंटो यानी पेले की। इसी के साथ मैं ये कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।